हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो कैल्क को लेकर के यानी ओपन ऑफिस कैल्क की बात कर रहा हूँ। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले तो हम ड्रॉप डाउन बनाएंगे। यहाँ पे आपको रोल नंबर दिखाई दे रहा होगा और ये नेम ऑफ स्टूडेंट है। यहाँ से मैं इस कॉलम के साइज को बढ़ा लेता हूँ तो ये देख सकते हैं यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पर ड्रॉप डाउन चाहिए तो ड्रॉप डाउन कैसे बनाए, तो यहाँ पर इतने एरिया इतने रेंज को सेलेक्ट किया हमने और यहाँ से जाएंगे डाटा टाइप पर। जैसे ही डाटा टाइप पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है वैलिडिटी, तो वैलिडिटी पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर एनी वैल्यू नजर आएगी, तो यहाँ पर एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करके और यहाँ पर आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है। ये लिस्ट लिखा हमने, यहाँ पर अब एक एक करके नाम देना होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है राम, फिर एंटर किया, फिर यहाँ पे श्याम, फिर यहाँ पे एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे मोनू, सोनू, महेश, गणेश, इस तरीके से आपको नाम देना है, ठीक है। ड्रॉप डाउन ऐसा ही बनेगी, ठीक है। उमेश, रत्नेश, राजेश, ये ड्रॉप डाउन बनाने का तरीका है, ठीक है। और अगर और भी देना चाहें इसमें जो भी नाम है वो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ पर अब आपको ड्रॉप डाउन डिस्प्ले होने लगेगा। देखिए यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, अब यहाँ से आप चूज कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया ड्रॉप डाउन बनाने का, ठीक है। मैं फिलहाल इसे ऐसे ही रखता हूँ, आप यहाँ पर चीजों को इंसर्ट करिएगा यहाँ पे इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या करना है, अब इसमें बॉर्डर लगाने के लिए आप इस तरीके से जा सकते हो। यहाँ पे जाकर के ये आप देख सकते हैं, बॉर्डर लगाने के लिए आप इस तरीके से जा सकते हैं। ये इतना हिस्सा आपने सेलेक्ट किया पूरा और अब इस पे बॉर्डर लगाना है तो यहाँ से जाकर के आप बॉर्डर लगा सकते हैं। तो ये ऑल बॉर्डर पे जाएंगे तो ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आप बॉर्डर लगा लेंगे। अब देखिए इस पे बॉर्डर नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट पेंटर नाम का एक ऑप्शन जो एक्सेल में मिलता है, यहाँ पर आपको क्लोन फॉर्मेटिंग मिलती है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसे सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद इस तरीके से चला दीजिए। बारी है यहाँ से टोटल करने की, तो इज इक्वल टू का निशान लगा करके सम का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे टैब काम नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। ये आठों सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किए, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर किया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका टोटल आ चुका है। अब एवरेज कैलकुलेट करने की बारी है, तो यहाँ पर अब हम एवरेज भी कैलकुलेट करके देखेंगे कि एवरेज कैसे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करना है। इक्वल टू एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पर भी सेम मिल जाता है आपको, और यहाँ पर ये यह ध्यान रखना है कि टैब काम करेगा नहीं, तो आपको मैनुअली ब्रैकेट लगाना होगा इस तरीके से और ब्रैकेट को क्लोज करके तब एंटर करना होगा। यहाँ पे एवरेज भी आ चुका है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जब ऐसी स्थिति में काफी सारे कॉलम्स और रोज हमारे पास हो जाते हैं, अभी तो यहाँ 11 ही आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में दिक्कत बहुत होती है कॉलम नंबर और रो नंबर खोजने में। तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं मैच का फॉर्मूला रो नंबर या कॉलम नंबर को फाइंड करने के लिए। कैसे, यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहले मैं यहाँ पर रोल नंबर 5 रोल नंबर यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर बात करते हैं एवरेज की, ठीक है। तो जिनका भी रोल नंबर यहाँ पे टाइप करें उनका एवरेज ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाए, ठीक है, हम ऐसा चाहते हैं। तो अभी ये कैसे होगा, तो यहाँ पर हम एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे। पहले तो ड्रॉप डाउन बना लेते हैं, तो ड्रॉप डाउन बनाने का वही तरीका कैसे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ आपको मिलेगा डाटा टाइप, डाटा टाइप से वैलिडिटी पे जाएंगे, वैलिडिटी से यहाँ से आएंगे और यहाँ पे इस बार सेल रेंज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाकर के और ये रेंज हमें सेलेक्ट कर लेनी है पूरी और बस यहाँ से करना है ओके। तो यहाँ पर आपको ये ड्रॉप डाउन नजर आएगा, जो भी यहाँ पे रोल नंबर सेलेक्ट रहेगा वही यहाँ पे एवरेज आएगा, उसी का एवरेज आएगा। अब कैसे होगा ये देखिए, इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो रो नंबर कॉलम नंबर की बात कर रहे थे, तो एवरेज हमारा कौन से कॉलम में है आपको देखना होगा। तो अब यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 हुए कॉलम में है, तो ये काउंट करना बड़ा मुश्किल है, तो ये अपने आप दे दे, इसके लिए कोई तरीका है क्या। तो यहाँ पर मैच का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, मैच MATCH, तो बस यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करना है और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हमें किसको ढूंढना है, तो एवरेज को ढूंढना है। एवरेज को सेलेक्ट किया, यूज करना होता है इसलिए ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे सेमी कोलन का बस ध्यान रखिएगा, बाकी सारी चीजें ठीक है, यहाँ पे बस कॉमा की जगह सेमी कोलन आ जाएगा। तो ये देखिए एवरेज जो है कॉलम नंबर 12 में है, तो यहाँ पे काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ से ये जो एवरेज दिया गया है इसको हटा देते हैं, ये हटा दिया हमने, और यहाँ पे कुछ और टाइप कर देते हैं, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट वन टाइप कर देते हैं। तो ये सब्जेक्ट वन जैसे टाइप करेंगे ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये बताएगा कि सब्जेक्ट वन किस कॉलम नंबर में है, 3, तो ये 1, 2, 3, तो ये सब्जेक्ट वन जो है 3 नंबर के कॉलम में है। अगर मैं यही सब्जेक्ट 4 कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ,
तो ये बताएगा उसका कॉलम नंबर। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 बता रहा है ना। तो इस तरीके से ये काफी बेनिफिशियल है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपको रोल नंबर 3 का कैसे निकालेंगे इसको, तो यहाँ वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये लगाया वी लुकअप, जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ वैसे ही आपको भी लगाना है। और यहाँ पर इसे सेलेक्ट किया, कॉमा लगाएंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे, सॉरी कॉमा नहीं, और यहाँ से ये पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर जाएंगे। ये पूरा टेबल जो है सेलेक्ट होगा, तो यहाँ से इस तरीके से। और इसे फ्रीज भी करना होगा। फ्रीज करने के पीछे रीजन ये है कि हम फिक्स करना चाहते हैं इस रेंज को, तो इसे हम फ्रीज कर देंगे और फिर यहाँ पर इसे भी फ्रीज करेंगे और यहाँ पर इसे भी फ्रीज करेंगे। और फ्रीज करके यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको देना है सेमी कोलन, और सेमी कोलन दे के मैच का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये लगा दिया मैच का फॉर्मूला। और अब हमें क्या पता करना है, हमें सब्जेक्ट 5 के बारे में जानना है। सेमी कोलन लगाया और सब्जेक्ट 5 कहाँ मिलेगा हमें, यही कहीं ऊपर रेंज में मिल जाएगा सब्जेक्ट 5। ठीक है, तो ये सेलेक्ट करके और फिर एक एक को फ्रिज भी करना होता है। तो यहाँ से आप फ्रिज करते हुए चलिए, तो यहाँ पर इसे फ्रिज किया, इसे फ्रिज किया, और यहाँ पर इसे भी फ्रिज करेंगे और फिर यहाँ पर इसे भी फ्रिज कर देंगे। और अब कॉमा लगा के यानी सेमी कोलन लगा के 0 दीजिए और फिर सेमी कोलन लगा के यहाँ पे 0 दे दीजिए, ताकि वी लुकअप के छूटे हुए फॉर्मूले को पूरा किया जा सके। अब यहाँ देख सकते हैं कि सब्जेक्ट 3 में, सॉरी रोल नंबर 3 का सब्जेक्ट 5 में 41 नंबर, 41 मार्क्स है। तो रोल नंबर 3 का सब्जेक्ट 5 में क्या 41 मार्क्स है, तो यहाँ पे चेक करना होगा। सब्जेक्ट 5 देखना है तो यहाँ पे मैं इसे एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी करता हूँ, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो देखिए रोल नंबर 3 ये है मोनू, और इनका सब्जेक्ट 5 में कितना है, 41 है। लेकिन मान लीजिए कि रोल नंबर 4 का पता करना होगा, तो यहाँ से आप सिर्फ ड्रॉप डाउन चेंज कीजिए, ठीक है, और 4 करिए, तो 4 का 26 है। तो क्या 26 है, यहाँ पे चेक करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 26 है, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट आया हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, और भी चेक कर लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट 5 का नहीं देखना था, इनका एवरेज देखना था, तो यहाँ पे टाइप कर दीजिए AVERAGE, एवरेज। जैसे ही टाइप करते हैं तो रोल नंबर 4 का एवरेज निकल के आ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ रोल नंबर 4 का एवरेज 29.5 आया हुआ है। देखिए यहाँ पे आया है कि नहीं आया है, तो कुछ इस तरीके से आपको करना है। ठीक है ना, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। अब देखिए, अब आप जैसे ही यहाँ पे रोल नंबर चेंज करते हैं तो फिर ये एवरेज अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे रोल नंबर 11 का देखा जाए तो ये 11, हालांकि नाम यहाँ से हट गया है, तो यहाँ पे नाम रिंकू कर लेता हूं मैं। तो रिंकू का रोल नंबर 11 है और रोल नंबर 11 का जो एवरेज है वो 36.125 है। तो यहाँ पे देखिए सेम आया है कि नहीं आया है, एकदम सेम वही रिजल्ट आया हुआ है जो यहाँ पे आ रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एकदम सेम वही रिजल्ट आपको डिस्प्ले हो रहा है। कुछ इस तरीके से ये सारी चीजें हो जाएंगी और ओपन ऑफिस में भी बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं ये सारी चीजें। और सबसे बड़ी खासियत है ओपन ऑफिस की कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसे फ्री गूगल पे सर्च कीजिए, ओपन ऑफिस फ्री डाउनलोड, अपाचे सर्वर पर काम करता है ये, और इसे डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके फ्री में यूज कीजिए। ठीक है, एक्सेल के तुलना में ये फ्री है और एक्सेल जैसा ही फंक्शन है, थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी इधर उधर है, यानी सेमी कोलन का यूज यहाँ होता है, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ओके।